नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बिग ब्रेकिंग से खबरों की शुरुआत, जहां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय लेंगे पीएम पद की शपथ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह है। मध्य प्रदेश में सुबह लगभग 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इधर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस वक्त तैयारी है। बड़े बड़े कटआउट आप यहाँ देख पाएंगे, किस तरीके से तमाम दिग्गजों के कटआउट लगाए गए हैं। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला बतौर डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो देखिए, सज गया है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल का। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ ग्रहण में, आपको बता दें कि तमाम जो नए सीएम हैं उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये कि अभी कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। देखिए, अमित शाह पहुंच गए हैं, किस तरीके से उनका स्वागत यहाँ किया जा रहा है। शपथ ग्रहण में पहुंच गए हैं। 11:30 बजे का वक्त निर्धारित है मध्य प्रदेश में, जहां दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी के साथ साथ देखिए पूर्व सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो सभी दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो देखिए, अभी 11:00 बज रहे हैं, आधे घंटे का वक्त और शेष है, जब सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम आज मंत्री पद की शपथ के साथ साथ सीएम की शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन खबर ये भी है कि कोई भी विधायक आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण नहीं करेगा। देखिए, मोहन यादव ने आपको बता दें, पहले कहा था कि सभी को साथ लेकर चलूंगा, सुशासन सुनिश्चित करूंगा। तमाम बड़े और दिग्गज जो नेता हैं वह शपथ ग्रहण में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज मंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी शपथ ग्रहण समारोह में भोपाल पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा भी, तस्वीर आपको साझा की थी, जेपी नड्डा भी वहां पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, शपथ ग्रहण से पहले किस तरीके से खटलापुरा स्थित हनुमान मंदिर की पूजा अर्चना करते नजर आए थे मोहन यादव। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे का वक्त है और 11:30 बजे शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम को भव्य तरीके से सजाया गया है। तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो भोपाल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं। सभी आज शिरकत करेंगे, क्योंकि भारी जीत यहां पर दर्ज की। देखिए, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर, कोनराड संगमा मुख्यमंत्री मेघालय, नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री नागालैंड, वाई पट्टन उप मुख्यमंत्री नागालैंड, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, तमाम जो दिग्गज हैं ये आज साक्षी बनेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह के। तो 58 वर्ष के डॉक्टर मोहन यादव, जिसने किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहन यादव जो रेस में भी नहीं थे, आज सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रह चुके हैं।
1984 में वे अध्यक्ष बने थे। देखिए हम तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीर जरा आप देखिए, शपथ ग्रहण की तैयारियां और इसी के साथ साथ चाक चौबंद व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। बारी बारी से आप तक रख रहे हैं जहां आप समझ पाएंगे कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से युद्ध स्तर पर जारी हैं। क्योंकि शाम को 4 बजे जैसे ही यहां से शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल तैयारियां चाक चौबंद व्यवस्था है। इसी के साथ साथ मोहन यादव की हम बात करें जो कि अब सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। 1998 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वे सदस्य नियुक्त किए गए। 2013 की बात करते हैं, 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से जीतकर वे विधानसभा पहुंचे थे। देखिए हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगवानी करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, खुद वहां पहुंचे हैं मोहन यादव भी। तो अब कुछ देवा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर जरा देखिए आप, क्योंकि तमाम बड़े नाम तो सामने थे इस रेस में, लेकिन देखिए बीजेपी का ऐसे मैनेजमेंट ही कहा जाएगा और बीजेपी जैसे अनुशासन कहती है कि तमाम बड़े दिग्गज सामने थे चेहरे, लेकिन कोई अलग ही नाम निकलकर सामने आया। देखिए आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आदेश जी देखिए अब शपथ ग्रहण समारोह है, फिलहाल इस शपथ ग्रहण समारोह को कांग्रेस किस तरीके से देखती है? नहीं, सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, आज उनकी सरकार बनने जा रही है जो है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं, उनके जवाब भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज इनको मुबारकबाद है और अच्छा प्रशासन दें, अच्छा शासन दें। पिछले शासन में बहुत सारे स्कूल बंद हुए थे, तो शिक्षा के मंत्रालय से जुड़े रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि नए स्कूल बने और नए लोगों को जो है अच्छी सुविधाएं मिलें जो है। आदेश जी देखिए दर्द तो सालता होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत तो कमलनाथ ने की थी, लेकिन वो रंग जो है नहीं आया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की बात का जिक्र करते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण यहाँ सबसे पहले हो रहा है, तो वो कमलनाथ की मेहनत क्या कम रह गई, कहाँ वो चूक नजर आई, कहाँ आपको लगता है कि होमवर्क पे कमी नजर रह गई थी? आदेश जी नहीं देखिए अभी तो हम इसकी समीक्षा करेंगे, बैठेंगे जो है क्या कारण रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई तो आपने देखा कि 199 सीट के ऊपर हम 20% वोटों के मार्जिन से जीत रहे हैं, और जब मशीनों से गिनती होती है तो मार्जिन भी खत्म हो जाता है, उल्टा 7% के करीब इनको बढ़त मिल जाती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, जो भी लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे वो हर व्यक्ति यही कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस के हक में एक बहुत बड़ी हवा है, ये सब चीजें देखने में आ रही थी, लेकिन इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बोल रहे हैं कि अब सवाल जवाब किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, लेकिन हमेशा से ही देखा जाता है जब भी हारती है कांग्रेस या फिर हम आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर लें तो ईवीएम पर ही क्यों यहां पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है? नहीं, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की बात नहीं है, जीवीएल कृष्णमूर्ति जी ने तो जो है एक किताब लिखी थी, आडवाणी जी के भी उसमें लेख था जो है, तो एक किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर जो है, सच्चाई ये है। तो वो सवाल ऐसा नहीं है कि हमने उठाया, हमने तो आपको बताया कि बैलेट पेपर की गिनती में हम जीत रहे हैं लेकिन मशीनों में हार जा रहे हैं। दूसरा जो है दिग्विजय सिंह जी ने और बाकी कई लोगों ने भी कहा कि जो वीवीपैट है उसकी पर्चियां जो वो संभाल के रखी जाए और जरूरत पड़ने पे उससे काउंटिंग की जाए, लेकिन उसको भी कोई स्टोर नहीं कर रहा है, ना इलेक्शन कमीशन मानता है ना कोई दूसरी एजेंसी मानती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इनके ऊपर, और
इशू हार और जीत का नहीं है, इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है। अगर इलेक्शन की प्रक्रिया जो है उस पर इन लोगों को संदेह हो रहा है तो संदेह भी दूर करना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। तो कोई हारे कोई जीते, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। लेकिन आप ये देखिए 2024 से पहले जिस तरीके से बीजेपी 3 राज्यों में जीती है, हिंदी बेल्ट में खासा दबदबा रहा है, संगठन की कमी यहाँ पर जरूर हम कहेंगे कि कमी नजर आई है कांग्रेस की, और इस पर यदि शुरू से ही काम किया जाता आदेश जी, तो आपको नहीं लगता आज रिजल्ट कुछ और होता? संगठन में हमारे में कहीं कोई कमी नहीं है, कुछ कमियां होंगी उनको दूर भी किया जाता है, रेगुलर एक प्रोसेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमको संगठन की वजह से हार गए जो है। बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर था, हर आदमी सरकार से नाखुश है, उसके बावजूद ये कैसे जीत जाते हैं जब बैलेट पेपर में वही लोग अपना मत दिखाते हैं तो कांग्रेस को 20% से बढ़त मिलती है, और वही जब मशीनें होती हैं तो मशीनों में हम हार जाते हैं। मशीनों का जिक्र करेंगे आदेश जी, वो भी आप जनता के ही, यूं कहें कि जनता ने ही चुना है और जनता ही, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर देंगे तो अगर समय रहेगा और सब चीज अनुकूल रहेगी तो देखते हैं, अगर मिल जाए समय मिलता है तो। जब से पिताजी का मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई है, कितना समय आप लोगों को दे पा रहे हैं और क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो क्या विजन के साथ काम कर रहे हैं? विजन रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा, रोड, सभी चीज को एक साथ लेके एक सूत्र में बांध के चलने का उनका प्रयास रहेगा, और देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश का योगदान और बेहतर हो, इसी का प्रयास रहेगा। राजनेता जो होते हैं समय नहीं दे पाते, आपके पिताजी तो पहले से मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे हैं और आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, समय दे पाते नहीं दे पाते, आपको अब क्या लग रहा है कि पूरा प्रदेश उनकी फैमिली हो गया तो आप लोगों के लिए कितना समय मिल पाएगा या क्या बातचीत होती है? नहीं, उन्हें स्टार्टिंग से ही मैनेज करना आता है, वो मैनेज कर लेंगे, इतना बिल्कुल हमें पता है। क्या कहेंगे, आज आप भी जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही होगी? बिल्कुल पूरी फैमिली जा रही है, सभी में उमंग है, उत्साह है, और पूरा मध्य प्रदेश को अच्छा लग रहा है, अब नए मुख्यमंत्री जी आएंगे। जी बिल्कुल, आपके यहाँ पे एक यंग हैं और यंगस्टर के लिए क्या चाहते हैं कि आपके पिताजी क्या कार्य करें, क्योंकि आप देखते रहते होंगे, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो जब आप जाते हैं पब्लिक के बीच में और मध्य प्रदेश को देखते हैं तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में ये होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए? मध्य प्रदेश में जो भी चीज रहेगी आपको बिल्कुल ये आने वाले 5 सालों में युवाओं के लिए आपको पता चली जाएगा आगे जाके सभी चीजें। अभी जो जैसे अब स्वास्थ्य हो गया या रोजगार हो गया, सभी चीज पे काम होगा। जी जय जय श्री महाकाल। कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पद की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बार बार विनम्रता के साथ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मायने नहीं रखता है, एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है, वैसे ही ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। निश्चित रूप से सारे लोग प्रसन्न हैं, वैसे हम भी सब प्रसन्न हैं। आप कहेंगे, आप बड़ी बहन है, आपने हमेशा से देखा होगा जब से वो छोटे हैं किस तरीके से कार्य करते हैं, और अब जब वो विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, अब मुख्यमंत्री बने, किस तरीके से प्रदेश को संभालेंगे, क्या कुछ करेंगे वो? देखिए, ये सब चीजें तो पार्टी के लोगों से बात करिए, खुद मोहन जी से, अभी वो जब आएंगे भैया आपके सामने तब आप उनसे बात करिए, उनकी प्राथमिकता क्या है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक मैं भी छोटी कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित रूप से पार्टी को नए सोपान पे, नई ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूँ, निश्चित रूप से प्रदेश भी विकास करे। और चलिए, शपथ ग्रहण समारोह उत्साह चरम पर है, खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। खेमचंद जी, देखिए आज का दिन बहुत खास है मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, और यूं कहें बीजेपी के लिए भी, तो फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। नमस्कार, बहुत ही खुशी का समय है, बहुत ही खुशी का दिन है जी, और पर्टिकुलरली युवाओं के लिए, युवाओं को मौका दिया गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है, ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जो लगातार जनसंघ के लिए काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और आम लोग हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है। उनको पहले भी ये लगता था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम जैसे किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी समय जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगातार एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसका संबोधन किया जाता है, हैंड होल्डिंग की जाती है, और उसको नई चुनौती, बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। तो तीनों ही जगह अच्छे और नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है, इससे बहुत ही अच्छा माहौल है, और हमें पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में तो नई सरकार बनेगी, जो हमारी वर्तमान में सरकार थी उसके सभी कार्यों को। खेमचंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जरा आप रुकिएगा।
यहाँ पर देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ देर बाद नजर आएंगे, तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद, संतों से यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि संतों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। बीजेपी की देखिए ये खासियत भी कह सकते हैं क्योंकि बिना संतों के आशीर्वाद लिए कोई भी कार्य वो संपन्न नहीं करती। आज का दिन बहुत खास भी है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, तस्वीर देखिए मंच जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। खेमचंद जी आप मेरे साथ देर से जुड़े हैं। आदेश जी का कहना है कि मैंडेट तो उनके पक्ष में जा रहा था लेकिन जैसे जैसे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में तमाम वोट चले जाते हैं, खामी ईवीएम की है। खेमचंद जी क्या कहेंगे? देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, मैं उन पे कोई नकारात्मक अनुरोध करना चाहूंगा, ईवीएम का रोना बंद कर। तेलंगाना में भी वही ईवीएम था, शिमला में हिमाचल में वही ईवीएम था, जहां जीतते वही ईवीएम रहता है। तो जहां भागते हैं वहां ईवीएम बदल जाता है, ऐसा नहीं होता। ईवीएम को बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, कोर्ट ने भी इसको माना नहीं, कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे पाया जो ईवीएम है उसमें प्रॉब्लम हैक किया जा सकता है या उसको चेंज किया जा सकता है, और ऐसी कोई प्रक्रिया है नहीं। फुल प्रूफ साइंटिफिक एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फास्ट और तेजी से और कम खर्चे में इलेक्शन हो सकता है, इसलिए ऐसा इलेक्शन कमीशन यूज करा। नहीं तो जो पहली पर पार्टी थी वो कर तो पहली पर पार्टी 10-15 दिन लग जाते थे और इतने ज्यादा कोर्ट केस होते थे क्योंकि एक स्टाम्प में दो जगह मोर लग गई तो इसको माने नहीं माने, मोर इधर उधर लग गई माने नहीं माने, बहुत सारे स्टाम्प रिजेक्ट होते थे। जीत की असल वजह की यदि हम बात करते हैं, जीत की असल वजह जो रही बीजेपी की वो क्या रही, क्या समझ पाते हैं आप? देखिए जो जीत की असली वजह रही वो मोदी जी की गारंटी थी और जो विश्वास लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उसके अलावा हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने रात दिन रह के वहां पे जनता के बीच में संवाद किया, मोदी जी की बातों को रखा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को रखा, और जनता का फीडबैक था वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक। बिल्कुल देखिए मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, वो चेहरा ही बड़ा सार्थक साबित हुआ। आदेश जी यहाँ पर गुटबाजी आपको नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी चाहे हम बात राजस्थान की कर लें चाहे बात मध्य प्रदेश की कर लें, वहाँ गुटबाजी हावी दिखाई दी। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे हमें लग रहा, छत्तीसगढ़ में तो चांसेस ही नहीं लग रहे थे, छत्तीसगढ़ में लग ही रहा था कि कांग्रेस वापस बनी रहेगी, लेकिन महादेव ऐप का जिक्र हुआ उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर कांग्रेस आ गई। ये तमाम चीजें हैं, इनको सोचने की जरूरत नहीं नजर आती क्या आदेश जी? महादेव ऐप का आपने देखा कि किस व्यक्ति की गाड़ी थी, किसके नाम पे रजिस्टर्ड हो रही थी, किस तरह से वो सब षड्यंत्र रचा गया, और उसके बाद जिस व्यक्ति के नाम से षड्यंत्र रचा गया उसने आके कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरे से जबरदस्ती कहलवाया गया है, सारी चीजें हैं। तो ये षड्यंत्र रचते भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है, ये लोग जानते हैं, इसीलिए हम जो है ये बारी बारी कह रहे हैं कि इलेक्शन की ड्यूटी है कि इलेक्शन इतना पारदर्शी हो कि लोगों को उसके ऊपर विश्वास बनी रहनी चाहिए। जो है आज उसके ऊपर जो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं
तो कहीं ना कहीं वो जो है उनसे उसको बचना चाहिए जो है। दूसरा, आपने कल ही देखा कि किस तरह से राज्यसभा के अंदर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होगी, उसके लिए जो बिल लाया जा रहा है उस बिल में किस तरह से नियुक्ति का प्रोविजन रखा गया है, उसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। पार्लियामेंट को अधिकार है किसी भी कानून को बनाने का, लेकिन उस कानून को किस तरह से बनाया जा रहा है कि उसके अंदर एक प्रधानमंत्री होंगे सिलेक्शन के लिए, कांग्रेस प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई भी मिनिस्टर होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, तो दो लोग तो वही हो जाते हैं, जबकि उसमें पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। चलिए वो तो बाद में हम देखेंगे, क्योंकि वो अलग जिक्र होगा, क्योंकि आज बात हो रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो जीत हार की, वो कांग्रेस के सबक की भी, जो कांग्रेस को अब लेना चाहिए। खेमचंद जी, क्या आप आदेश जी को सुन पा रहे हैं? नहीं, उनकी आवाज मेरे को नहीं आ रही। चलिए हम कोशिश करते हैं, पीसीआर टीम से मैं कहती हूँ कि उनकी आवाज को ठीक करें। आदेश जी, लेकिन गुटबाजी जिस तरीके से हावी रही, उस गुटबाजी पर यदि वक्त रहते काम कर लिया जाता तो क्या ठीक ना होता? चलिए आदेश जी, खेमचंद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, वक्त ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, इसी खबर पर बने रहेंगे।